अब लोग आ गए आज तो सब मजा आएगा ना, आज तो बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम ही ऐसा है कि मजा ही मजा है। और बुआ अभी रेडी हो रही है और अलता अभी लग रहा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस बार जाने का खुशी कुछ और ही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बस आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ मम्मी जल्दी से सामान पैक कर ली है, हम जल्दी जल्दी में, कोई ट्रॉली वरण नहीं है बस Alexa। और लड्डू अभी एलेक्सा को याद कर रहा है। तो चलिए गाइस आप लोगों को वीडियो को लेकर चलते हैं आगे और दिखाते हैं, क्योंकि बारिश का भी मौसम बहुत ज़्यादा मस्त हो गया है। अब बारिश अब होने ही वाला है कुछ ही देर में, तो देखते हैं कि आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाते हैं। मम्मी यहाँ पे रेडी हैं और वहाँ जाने के बाद से सब लोगों से आप लोगों को इस बार मिलवाते हैं। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सबसे अच्छा और सबसे क्यूट कौन लग रहा है। तो चलिए वीडियो में, मज़ा आने वाला है। आज है रिसेप्शन, तो मम्मी यहाँ पे अपना सामान पैक कर ली है। और अभी ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, ये वहाँ पर बहुत चाची का छूट गया था, और ये साड़ी लिए हैं जो रिसेप्शन में पहनेंगे। ये मेरा साड़ी है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और बबनी का जो दवा था वो पापा जी लेके आए हैं, और जाके ला दिए हैं पापा। लड्डू चल रहा है साथ में, मम्मी लेके चल रही हैं उसको, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा शांति रहे। चलिए गाइस लेके चलते हैं आप लोगों को गाड़ी के पास। देख सकते हैं मेरे से कपड़ा लेके जल्दी जल्दी सफाई कर रहा है। ये भगवान है, देख तो इधर तो हम करें दो करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग कि पूरा रोड जो है एकदम भीगा हुआ है, पर उतना बारिश नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। थोड़ा बहुत पानी आता है फिर साफ हो जाता है। और यहाँ पे मम्मी भी है। बारिश। आप मम्मी आप कहाँ जा रही हैं अभी? और यहाँ पापा जी बैठे हुए हैं, हम भी जा रहे हैं मैडम के ससुराल। और मस्त अभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ बस अगर हम लोग रोकेंगे तो फिर फंसेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी भाभी की मम्मी लग ही नहीं रही है मम्मी है, पर है मम्मी, इतना यंग टफ रफ एंड टफ। हम भी कंफ्यूज हो गए थे उस दिन, हमको लगा भाभी भी चढ़ा रहा है लोग, फिर बाद में पता चला कि मम्मी है। और ये हमारी साली साहिबा हैं जिनका नाम है शिवानी, और भी तीन जन था वो लोग आया नहीं है। और यहाँ पे साले साहब हैं, उस दिन पूरा एकदम फॉर्म में थे। और यहाँ पे ये मेरी बुआ लगेंगी, और ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं, ये मेरी भाभी की बहन यानी बड़ी बहन है, तो साली नहीं लगेंगी, दीदी लगेंगी। तो अब चलिए, अब धीरे धीरे माहौल बनते जा रहा है। भाभी अभी रेडी नहीं हुई है, थोड़ी देर के बाद से वो रेडी हो जाएंगी, तो आप लोगों को उनका नया लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पे दीपक भैया पीछे आ नहीं रहे हैं कैमरा के सामने, बोल रहे हैं कि लाइट आएगा तब। तो कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पे आके अभी? बहुत अच्छा लगा। और आपको दीदी? हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो अब सब लोग वैसे तो सब लोग आए हुए हैं बेतिया से, और अब थोड़ी देर में सब लोग रेडी हो जाएगा, और उसके बाद से आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन क्या खा रहा है क्या नहीं। आज मज़ा आने वाला है, बस पार्टी देखते चलिए और खूब सारा मज़ा आने वाला है। देखिए बस बारिश नहीं आए तब, अगर बारिश आएगा तो भी डांस होगा, वो वाला गाना पे टिप टिप बरसा पानी। चलिए गाइस आगे चलते हैं। यहाँ पर यही फायदा है कि गांव पे आने पर हम दुकान यही मंगा के देख लेते हैं, तो यहाँ देखिए गाइस कितना सुंदर सुंदर। काउंट करके लिए हैं, काउंट करेंगे नहीं करेंगे उसे काम मिल जाता है, कहीं उसी में कोई पॉकेट में रख लिया था। लिपस्टिक खत्म हो गया था, लोकल का लिपस्टिक है लेकिन बहुत अच्छा होता है इसीलिए। तो इसका दाम है 110 रुपया, 100 रुपये बोली है, और ये बिंदी का 10 रुपये है, तो हम 100 रुपये दिए हैं दोनों चीज़। और यही हम सिवान खरीदते तो 200 से कम नहीं लगता, इसलिए हम गाँव पे आते हैं तो ले लेते हैं। तो आप क्या चाहिए? और बुआ का कर रही है, पापा कुकरी मत करना, का घर के लोग खुश आएंगे। बुआ का गुस्सा हो गई है, इसी में का वो भी ले रही है, और अंकिता जा रही है दुकान पर लेने, तो 10-10 रुपये का मिला है बिंदी।
और यहाँ पे देख सकती हैं, देख सकते हैं बुआ को। बुआ कैसा लगा था बारात में जाने के बाद? बहुत अच्छा लगा। खाने पीने का व्यवस्था पूरा टाइट टू टच कर दिए थे लोग। गाड़ी क्या खराब हो जा रही थी अपना? पता ना क्यों खराब हो जा रहा है। अपना गाड़ी खराब हो जा रही थी, बाकी सब लोगों का ठीक भी था। हम 3500 रुपये लगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डेकोरेशन कितना खूबसूरत अभी लग रहा है, अभी हो रहा है, अभी तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, पर डेकोरेशन स्टार्ट तो हो गया है। खाना पीना अभी बन ही रहा था तब तक कुछ लोग जो थे वो हावी हो चुके हैं खाना के ऊपर। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि कौन है खाने में। जी वीडियो मत लीजिए। और यहाँ पे सब लोग मस्त एकदम अब खाना शुरू कर दिया है। रात में एक बार और होगा सेकेंड, क्योंकि दिन में अभी खाए नहीं है हम लोग इसीलिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सा अभी डेकोरेशन जब हो जाएगा तो कंप्लीट आपको दिखा देंगे। वहाँ पे भी बहुत लोग खा रहे हैं, तो सब हमारी दीदी बुआ चाची नानी ऐसे ही कुछ लगते होंगे। तो चलिए अभी ये तो ऐसे ही बैठा हुआ है बाबू क्योंकि इनकी मम्मी खा रही हैं, थोड़ी देर के बाद से इनको खिलाएंगे खाने के बाद। खा लो खा लो, अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। फोटो खाओ खाओ, देखिए अब खाएगा। वाह, मेरा बात मान लिया, गुड बॉय। यहाँ पे कुछ जितना भी चाउमीन वाउमीन सब रखा रहा है, यहाँ पे कुछ चाट वाट के बारे में सब कुछ यहाँ पे रखाया जा रहा है। तो रात में अब बस थोड़ी देर बचा है, उसके बाद इंतजार हो रहा है। यहाँ पे जो है स्टेज सज चुका है और स्टेज के लिए सब यहाँ पे साउंड बॉक्स भी लग रहा है। और वहाँ पे जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे मस्त सा स्टेज जो है वो लगभग चालू हो चुका है। तो ये पूरे फील्ड में जो है सब लोग अभी बैठेगा, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही लाइट जलतेगा तो सब एकदम जो है जगमगा जाएगा। तो बस आप लोग बस बने रहिए और देखिए कितना मस्त पार्टी जो है वो होने वाला है। और थोड़ा थोड़ा देर के बाद से, आपका क्या नाम है? नाम बताइए। और आपका? और आपका? और इसका? राजकुमार। राजकुमार, सबसे इंटेलिजेंट कौन है? सबसे तेज बच्चा कौन है पढ़ने में? तुम अनु है। वाह गुड गर्ल, तुम भी। तो इसीलिए सब लोग देख सकते हैं रात में पार्टी, रात में कौन कौन रेडी होगा अभी? चलो सब लोग रेडी हो जाएगा, उसके बाद से लुक दिखाएंगे मस्त। अब आप लोगों को दिखाते हैं मेरा सेकंड वाला, जैसे बड़ी मम्मी का सेकंड घर है इस साइड यहाँ पे। और यहाँ पे सब लोग आधा लोग अंदर बैठा हुआ है। तो जैसे ही लाइट आता है ना, जब पूरा एकदम जम जगमग जगमग चगमगने लगेगा तब आप लोगों को दिखा देंगे। और ये सारा का सारा लाइट चलने वाला है, एकदम मस्त लगेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने घर पे, वहाँ पे देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं, शायद रेडी हो रही हैं। तो दिखाते हैं और मस्त ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिएगा, पार्टी शुरू होने वाला है। तब बुआ सब लोग आ गया आज, तो सब मजा आएगा ना? आज तो बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम ही ऐसा है कि मजा ही मजा है। और बुआ अभी रेडी हो रही है और हल्का अभी लग रहा है। पिछले वाला ब्लॉग में कोई भी शादी होती का कुछ नहीं डाले हुए थे, थोड़ा हरासमेंट भी हो गया था, जाते जाते थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना चमक रहा है ये वाला साड़ी। तो आप लोग बताइएगा कि सबसे अच्छा साड़ी किसका लग रहा है? देखिए सबसे मस्त साड़ी किसका है, सबसे अच्छा? हाँ तो गाइस यहाँ पे देखिए इनका लुक पूरा रेडी हो चुकी है। बस आप बताएंगी सबको कि कौन कौन क्या है और आप लोग जानते भी होंगे। ये मेरी बड़ी ननद है, सबसे बड़ी भाई बहन में। ना इधर आ पाजी। कैसा लग रहा है दीपक जी का शादी हो गया? अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट शादी किसका इंतजार है? प्रिंस का। नीरज भी है? दीपक के। अब प्रिंस का इंतजार है। तो आप देख सकते इनको, आप लोग पहचान ही रहा है, ये मीरा बुआ है।
जो इसके दो दूसरी नंबर वाली बुआ है और ये जब दो नंबर तक हुआ तीन नंबर तो हुआ तो चार नंबर वाला आप नहीं बोल रही आई बाप मेरा तो चार नंबर का बोलने का तो देखिए कितना हीरोइन लग रही है पहचानते ही है हमारी छोटी बुआ चार नंबर वाली या छोटी बुआ कहे या चार नंबर वाली और देख सकते हैं हीरोइन का कितना अच्छा सा मस्त दम लुक है और सब लोग रेडी हो चुका है। सबसे हमको तो बेस्ट लग रहा है इनका, वैसे तो सबका बेस्ट है पर ये सबसे अच्छी लग रही हैं और साड़ी इनका अच्छा लग रहा है और ये मुंबई से हैं तो मुंबई वाले लोग आप लोग मुंबई में कुछ भाषा सीखी है कि नहीं बुआ? मराठी भाषा। कुछ बोलिएगा कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग कैसे हैं कुछ याद है? आप लोग कैसे हैं उसका बात ही मराठी में बता रही हूं, उसका बहुत शब्द खराब लगा। ओके भाव भाव खा लिया तब बुआ। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं लोग? ये गोरखपुर आती हैं बुआ, तो ये बरौली वाली है तो सब लोग महाराजगंज। तो गाइस बुआ बुआ हैं और जो फूफा थे वही मेरे पापा जी को बहुत हेल्प किए हैं, अभी भी वो जब भी याद करते हैं पापा तो मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा। मेरे शादी के पहले फूफा जी डेथ कर गए और मेरी बुआ हैं तो अब आप लोग सब लोग देख सकते हैं। नहीं लगता है, हम लोग को लगता है कि हम लोग माँ जैसी हैं और सब सुख दुख में काम भी आती हैं और इनका हम लोग आते हैं, पर थोड़ा भी कुछ होता है ना तो डर जाती हैं पूरा। उस दिन थोड़ा सा सब बोलती पापा भाग लो, बारात में गए थे तो वो बोलते हैं कुछ ना भाग रहे कहाँ पर तो बहुत सर तो आप चलिए अब आप लोगों को दिखाएंगे नेक्स्ट यहीं पे करते हैं। अरे इसको तो भूल ही गए थे प्राचीत भी, लड्डू जी को भी आप लोग देख लीजिए। अब हम यहाँ पे वीडियो को ये वाला खत्म करते हैं, तब तक रील थोड़ा बना लेंगी मम्मी सबके साथ। और यहाँ पे नन्ही सी परी बहुत ज़्यादा देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, तब बुआ से भी एकदम मस्त हो गई है। पर इसका एक आदत मेरे को ख़राब लगा है आज जो कि मैं बताऊंगा नहीं, बाद में कभी बता दूंगा। तो अब ये वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म और वो सीधी है, चलिए बाय बाय कर दीजिए सब लोग। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं लोग? पार्टी में। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बाय बाय।